अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं। तुम कबूतर की तरह बिल्ली को देखकर आंखें बंद ना करो। तुम जानती हो तुमसे क्यों नहीं बात करते। कितनी अजीब बात है ना, आप दोनों भी जानते हैं कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन बता क्यों नहीं देते कि इसकी वजह क्या है। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अब लगता है कि हम दोनों से कोई गलती हुई है। तुम बहुत छोटी थी, उसने तुम्हें गोद में उठाने की कोशिश की, तुम उसके हाथों से मुंह के बल जमीन पर गिर गई। तुम्हारे मुंह और नाक से खून निकलना शुरू हुआ और तुम्हारी मां गुस्से में आपे से बाहर हो गई और उसको पीट डाला। इस पीटने में इसका हाथ उसके मुंह पर लगा और उसके नाक से भी खून बहने लगा। उसके बाद बहुत अरसे तक वो हमसे नाराज रही। छुप छुप कर मुझे देखती रहती थी, लेकिन बात नहीं करती थी। जब तुम थोड़ी सी बड़ी हुई तो तुमको भी हर वो चीज चाहिए होती थी जो उसके पास होती थी, और तुमको बहलाने के लिए अगर तुम्हारी माँ वो चीज तुमको ला देती तो दूसरे दिन वो अपनी तमाम चीजें तोड़कर डस्टबिन में फेंक देती थी। मैं सोचता रहा कि जब वो बड़ी हो जाएगी वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल आएगी, इसीलिए उसकी हर जायज और नाजायज बात को मानता रहा। स्कूल में एक दफा वो फेल हो गई और डिमोट होके तुम्हारी क्लास में आ गई। उस दिन तो लगता था जैसे वो अपने आप को मार डालेगी। उसको फेल होने का दुख नहीं था जितना दुख उसको तुम्हारे साथ क्लास में होने का था। उसे बड़ी तसल्ली देकर यह समझाया गया कि अगले साल उसको डबल प्रमोशन मिल जाएगी, वो ऑटोमेटिकली आगे निकल जाएगी। बट यू वर टू इंटेलिजेंट, इसीलिए अगले साल तुम्हारी प्रिंसिपल से मिला, उसकी मिन्नत की, हजार दलीलें दी उसको, उसको मनाया कि अगले साल तुमको क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा बल्कि फेल कर दिया जाएगा। ओह माय गॉड, उस दिन उसकी खुशी देखी नहीं जाती थी और उसकी खुशी देखकर तुम्हारी मार होती रही, तुम्हें दिलासे देती रही, और तुम रो रो के मुझे कहती रही कि पापा आई हैव डन सो वेल, आप जाकर मेरे पेपर्स चेक करें। और मैं शर्मिंदगी से मरे जा रहा था क्योंकि कुछ देर पहले तुम्हारी प्रिंसिपल का फोन आया था और उसने मुझे बताया था कि यू हैड पास विथ 89%। आई एम सॉरी बेटा, आई आई एम रियली सॉरी।
ओके पापा। इट्स नॉट ओके बेटा, इट्स नॉट ओके। मैं कितने सालों से सोच रहा हूं कि तुम्हें अपने पास बिठा कर सॉरी कहूंगा, अपने किए की माफी मांगूंगा तुमसे। And I'll say sorry to you. क्यों बे? यहाँ कोई नहीं रहता। तो मैं नहीं होता तो कोई नहीं होता। सैफ अहमद, ये पार्सल है आपके लिए, यहाँ साइन कर दीजिएगा। यादें और तोहफे मोहब्बत का सरमाया होते हैं। दोनों को लौटाते हुए दिल पे क्या गुजरती है, दिल अगर बता सके तो पता चले। देर तक सोचती रही कि तुम्हारे हिसार से निकलने का ठीक तरीका क्या होगा। कभी लगा कि तुम्हारे तोहफे तुम्हें वापस कर दूं तो मेरे दिल से तुम्हारे निकलने का रास्ता निकल आएगा। कभी सोचा कि तुम्हारी बख्शी हुई ये सौगातें तुम्हारे किसी नए गर्लफ्रेंड को भेजूं तो वह मेरी तरह बेमौत मरने से बच जाएगी। फिर सोचा कि नहीं, दिल तो इस तरह भी टूटना है और उस तरह भी टूटना है, अपने वक्त पे टूटे तो अच्छा है। वैसे भी बड़ी चिचोरी लगती हैं वो लड़कियां जो अपने हिस्से के खतर तोहफे दूसरों को भेज के उन्हें मोहब्बत करने से मना करती हैं। इस मुश्किल में फिर माया मेरे काम आई, कहने लगी कूड़े में डाल दो ये सब चीजें। दिल को भाई ये बात और फैसला कर लिया कि कूड़े में डाल दूंगी। सो पैकेट बना के सब की सब तुम्हें भिजवा दी है, मिल जाए तो समझ लेना मैंने कूड़े में डाल दिया। मोहब्बत के बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि मोहब्बत जाने से पहले अपनी कोख से नफरत को जन्म देके जाती है। आजकल मैं उसी जन्मी हुई नफरत को पाल रही, इसलिए हमेशा दूर रहना मुझसे। लुबना, यस
May I come in, sir? Come in. Let. आज ही ज्वाइनिंग दी है तुमने? जी सर. तुम तनवीर मलिक की बेटी हो. तुम्हारे परमानेंट एड्रेस में गोट नवाब लिखा था, इसलिए पूछा मैं. जी सर. फिर तो तुम हमारी दूर पड़े की रिश्तेदार भी. अतीका पुप्पू है तुम्हारी जो साउथ अफ्रीका में रहती है. सैफ की कजन हो तुम. उसके कहने पर यहां आई हो तुम. जी नहीं. पहले का काम करती थी? नोबल सिक्योरिटीज. कितनी तनख्वाह मिलती थी? 40,000. यहां 35,000 मिलेंगे? जी. तो लाख की जॉब 80,000 के पीछे कौन छोड़ता है? मैं, क्योंकि मैं जानती हूं कहां लाख कम है और 80,000 ज्यादा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वही लड़की हो ना जिससे कुछ देर सैफ की मंगनी भी रही. क्या हुआ? अपनी पर्सनल चीजें मैं जॉब पे डिस्कस नहीं करती और ना किसी के मुंह से सुनना चाहती हूँ. मेरी मंगनी या सैफ नामी कोई भी लड़का मेरे क्रेडेंशियल्स का हिस्सा नहीं है सर. अरे बैठो तो सही. आई एम सॉरी सर, मैं इस जॉब के लिए सही लड़की नहीं हूँ. यहाँ पे शायद मैं ही गलत जगह पे आ गई. तुम तो बड़ी गुस्से वाली हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह. सुनो. Have a nice day, sir. वो लड़का ठीक नहीं है, मरवाएगा किसी दिन तुम्हें. वो टिकट कंफर्म करवाने गई है. तुम्हें ऐसा लगता होगा कि शायद उसे जाने की जल्दी है. ये मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि वो जाने नहीं चाहती. वो चाहती है कि तुम हाथ जोड़कर उसके रास्ते में खड़े हो जाओ और मिन्नतें करो और कहो तुम चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा. वो अगर तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो वो इसलिए कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते. अगर तुम आज भी माया नाम की किसी लड़की के इंतजार में हो तो वो अब भी यही कहेगी कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है. वो तुम्हारे मुंह पे नहीं लेकिन तुम्हें थूक कर जाएगी. पीछे से राजंकर. फोन इसलिए नहीं किया कि तुम याद आते हो. सोचा बता दूं कि पिछले 3 दिनों में तुम एक बार भी याद नहीं आए. और 3 दिन बाद अखबार में पढ़ रही थी कि पिछले 3 दिनों में 75 लोग एक्सीडेंट में मरे हैं, 9 लोगों का मर्डर हुआ है और 115 लोग बॉम्ब ब्लास्ट में चल फंसे. सोचा तुम्हें फोन करके देख लूं, अगर उठा लिया तो पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो. ये जो मोहब्बत के मारे होते हैं ना, इतने जल्दी मौत नहीं आती. तड़पने की ड्यूटी करते हैं ये. एक बात पूछूं? पूछो. माया तुम्हें भूल गई है? अभी भी आते हैं सिग्नल्स. सिग्नल मतलब? सिग्नल्स मतलब वाइब्स यार. मोहब्बत में, नफरत में वाइब्स आती हैं, सिग्नल्स मिलते हैं. आती होगी याद. और वो फारस, लगता है वो तो माया को भूल गया होगा. बट आई नो कि वो अब किससे शादी करेगा. अरे यार, ये जो याद है ना, इट्स एन अनइनवाइटेड गेस्ट, कभी भी आ जाती है. क्या नाम था उसका? हाँ, वो दारिया. तुम्हें उससे क्या मतलब?
मामी चाहती हैं कि मैं फारिस से शादी पर राजी हो जाऊं। इसके लिए तो फारिस का राजी होना जरूरी नहीं है। उस गम में दारिया अगर उसके सामने खड़ी ना होती तो आज फारिस मेरे दरवाजे पर खड़ा होता। एक बात पूछूं, तुमने कहीं इसलिए फोन तो नहीं किया कि मैं दारिया को जान से मार दूं? How sweet of you. मैं बात कहूं मुझना, तुम अपने अंदर के गुरूर को जान से मार डालो। गारंटी देता हूं कोई सच्चा दिल से चाहने वाला आकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। Shut up. कभी ये भी सोचना मुझना, इतने सारे लोगों से नफरत करोगी तो किसी से मोहब्बत कैसे करोगी? आज नहीं पता मैं क्या सोच रहा हूं। नफरत ने कुछ नहीं दिया मुझे और नफरत में कभी किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं। मैं तुम्हें देखता हूं तो प्यार आता है तुम पर, लेकिन तुम्हारा दिल प्यार के लिए सूटेबल नहीं। इसमें मोहब्बत के लिए जगह नहीं मिलती। चलता हूं मैं। See you on. तुमसे मोहब्बत नहीं करती तो इसलिए कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। अगर तुम आज भी माया नाम की किसी लड़की के इंतजार में हो तो वो अब भी यही कहेगी कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। वो तुम्हारे मुंह पे नहीं लेकिन तुम्हें थूक कर जाएगी। मैं जुगनू पकड़ ली। वही तो देख रहा हूँ। It's interesting to watch. क्या देख रहा? नहीं पकड़ा गया मुझसे? ना सही। सुनो, जाने दो उसे। जाने दे। बैठो। मंडे को जा रही हूँ। मत जाओ। मतलब मैं कहने आया हूँ कि मत जाओ। लाफिंग फॉर व्हाट? सिराज अंकल की बातों में आकर? नहीं, मैंने खुद से सोचा, बल्कि कई दिनों से सोच रहा हूँ कि हम तीनों को तुम्हारी जरूरत है। तीसरा कौन? हमारा ऑफिस। यू नो, स्टाफ के लोग तुम्हारी वजह से बहुत कंफर्टेबल हो गए। पहले मुझे अवॉइड करने लगे थे, वो क्या है ना कि जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता था, इसलिए शायद। लेकिन अब सामने आते हैं तो मुस्कुरा कर गुजरते हैं। तो अब भी अवॉइड करते हैं तुम्हें? बात कहूं मैं? वो अपने पैसों से किसी को हायर कर ले, बॉस बन जाना उसके। उसकी इंक्रीमेंट और प्रमोशन का फैसला करना बहुत आसान है। कुछ बॉस बनकर लोग खरीद लेते हैं लेकिन उनकी फीलिंग्स नहीं खरीद पाते। इंसान एम्प्लॉय क्यों ना हो,
उसकी काबिलियत के साथ साथ उसकी फीलिंग्स को खरीदना बहुत जरूरी है। राफिस को चलने लगता है, हमारे बगैर भी चलेगा। नहीं समझा। हमारे ऑफिस में मुबीन साहब है ना, जब भी कमरे से बाहर जाते हैं तो कमरे की लाइट्स और एसी बंद करके जाते हैं। बात मैंने उन्हीं से सीखी। बॉस और ऑफिस के साथ भी मोहब्बत का रिलेशनशिप होना चाहिए, इसलिए मंडे को जब जाऊंगी तो कमरे की लाइट्स और एसी बंद करके जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी दारिया? तुम क्या कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगे हो आजकल? नहीं तो? तो आए क्यों नहीं? आया तो था। वो तो हाजिरी थी बस, बीमार पुष्टि के लिए आए थे, मिलने के लिए आओ ना। कल यूनिवर्सिटी आ जाओ। डर गए ना, मैं जूता बात और जवाब देती हूँ और तुम डर जाते हो। हाँ डर जाता हूँ, सच्ची कहूँ तो डर गया हूँ जोया। अच्छा सुनो टीपू। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। डरने तो मैं लग गई हूँ। तुम कहाँ डरती हो किसी से? तुम्हारी कसम डर गई हूँ। दिल में अजीब से हॉल उठने लगते हैं, कपकपाहट होने लगती है, बातें भूल जाती हूँ। अभी तुम्हें कॉल करने से पहले मैं तुम्हारा नाम याद कर रही थी। वो तो अम्मी ने आवाज देकर पूछा कि टीपू अभी तक नहीं आया, तो मुझे याद आया कि तुम्हारा नाम टीपू है। मेमोरी लॉस? यस मेमोरी लॉस। तो चेकअप कब है तुम्हारा? यू मस्ट नीड टू गो टू डॉक्टर। देखा, तुम भी यही समझ रहे हो ना। Obviously Zoya, मुझे अच्छी तरह से याद है कितनी गहरी चोट आई थी तुम्हें। नहीं टीपू, वो चोट इतनी गहरी नहीं थी जितनी गहरी चोट अब लगी है। देखो मैं फिर से कांपने लग गई हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, फोन रखो। नहीं चाहती हूँ ना कि तुम्हारे घर से मेरा रिश्ता टूटे। Of course not. तुम्हें दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं देती? क्या है दूसरा ऑप्शन? तो प्रपोज करो मुझे, कहो मुझसे शादी कर लो फारिश चावला।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे ऑफिस में चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं सीट कंफर्म हो गई? नहीं, अभी भी चांस पर है। चांस पर मत रहना। मैंने भी कसम खाई है कि मैं मंडे को ही वापस जाऊंगी। हाँ ठीक है, तो चले जाना ऑफिस में। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी सीट कंफर्म हो जाए। क्यों? आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? आपको जल्दी है मेरे जाने की, हाँ? और वो भी आज? मुझे पता है कि वो ऑफिस आई। Look at my face. ऐसा लग रहा है कि इस बात से मुझे कोई खुशी है, कोई गम है? नहीं ना। चल। जिंदगी के हर रास्ते पर, गलत हो या सही, यू टर्न का मार्जिन होता है। अगर आपको लगे कि आप रास्ता भूल गए हैं तो यू टर्न ले लीजिए, आप सही रास्ते पे आ जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू ड्राइविंग, यू ऑन द रॉन्ग साइड, टेक अ यू टर्न एंड यू विल फाइंड द राइट वे। माना कि यू टर्न में थोड़ी तकलीफ होती है, वक्त और एनर्जी जाया होते हैं, लेकिन जब इंसान ठीक रास्ते पे आता है तो इंसान तकलीफ भूल जाता है। बरसों की नफरतें किसी एक के सॉरी कहने से खत्म हो जाती। सॉरी भी एक तरह का यू टर्न होता है, लेकिन अपने डिवोर्स की हुई बीवी से दोबारा शादी करना एक ऐसा यू टर्न है जो जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंसान की एनर्जी और वक्त ही जाया नहीं होता, मर्द की फितरत भी दांव पे लग जाती है। Why can't he understand कि this यू टर्न इज नॉट अवेलेबल फॉर हिम? आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए फ्लाइट बुक कराएंगे। हाँ, तो मैं भूल गया। मैं ट्रैवल एजेंट से खुद होकर आ चुकी हूँ। There are no flights available. Everything's booked till Wednesday. तो फिर तुम कहीं और चले जाओ। मतलब? मतलब ये कि अगर तुमने ठान ही ली है तुम्हारी जिंदगी में यू टर्न की कोई गुंजाइश नहीं है और तुमने जाना है, तो दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक, कहीं भी चली जाओ, वहां से तुम्हें तुम्हारी फ्लाइट मिल जाएगी। ऐसे क्या देख रही हो? आपके इस तरह बार बार इसरार करने पर मेरा दिल चाहता है कि मैं फारिस को जाके कह दूं, कर लो मुझसे शादी। कम से कम तब तक कर लो जब तक माया यू टर्न लेके वापस नहीं आती। जब मैं आ जाई तो दरवाजे पर मुझे पीएन ने बताया कि माया अंदर बैठी। जब वो उसके ऑफिस में बैठ सकती है, वो उसको बिठा सकता है, बातचीत हो सकती है, तो आप अपना ये थीसिस बदल लो। वो अपने यू टर्न लेने का प्रिविलेज जाया नहीं करेगा। और आप और मैं आखिर होते कौन है उसकी मर्दानगी को गाली देने वाले? डारिया तो यही होगी। हाँ यही है, दफ्तर उसके दम से चलता। कम से कम मेरे हिस्से का काम तो वही करती है। और घर, घर कैसे चलता है? उसे हम तीनों मिलकर धक्का देते हैं। वो देखा नहीं कोई गाड़ी
जो रास्ते में खराब हो जाती है, रुक जाती है चलते चलते, उसे फिर कुछ लोग धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? आइयो। मैंने सोचा था आज तो मुझसे ये सवाल नहीं करोगे, मैं भी नहीं बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई। नहीं, वो लोग पूछेंगे, इस तरह के सवाल करेंगे कि मैं जवाब ढूंढता रह जाऊंगा। कौन लोग सवाल करेंगे? दारिया, सिराज अंकल, तुम जरा नहीं बदली हो। मैं बदल गई हूँ फारस, शायद यही बताने के लिए आई हूँ यहाँ। स्टेटस बदल गया तुम्हारा? आज जब तुम यहाँ आई तो मैंने तुम्हारे बदले हुए स्टेटस को देखा। आज देखा कि लोग जब हुकूमत में होते हैं तो क्या होते हैं, और जब हुकूमत में नहीं होते तो क्या नहीं होते। आज तुमसे इजाजत लेकर ही अंदर आई हूं मैं, आप नहीं आए। याद है पहले कैसे दंदनाती हुई अंदर आती थी, तो मुझे देख कर सहम जाते थे। कुछ पी लो। सिराज अंकल ने लंच के बारे में सच नहीं कहा। सिराज अंकल पहले तो झूठ नहीं बोलते थे, अब वो लोगों का दिल रखने लगे हैं तो बोल लेते हैं झूठ। हमारा घर अब एक म्यूजियम है, जहां कईयों के टूटे हुए दिल संभाल कर रख लिया हमने। सिराज अंकल के जिम्मे है उनको संभालना, चेक करते रहना कि सबकी धड़कनें चल रही हैं। वो तो पहले भी चाहते थे कि तुम दारिया से शादी कर लो। हाँ, मेरे जाने के बाद तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि इस तरह तुम मुझसे बदला ले सकते हो? लगा एक बार, लेकिन फिर सोचा तुमसे बदला लेने के लिए शादी उससे क्यों करूं जिससे कभी मोहब्बत नहीं हुई। से करूंगा जिससे मोहब्बत होगी। हुई किसी से? या फिर हो गई है और मुझे पता नहीं चल रहा। जोया के साथ देखा था तुम्हें, वो क्या कर रही थी? तुम क्या कर रही हो? मतलब क्या पूछ रहे हो? I'm sorry. दारिया कब जा रही है? मंडे की फ्लाइट है उसकी। हम ट्यूसडे को मिलते हैं। एक बात कहूं तुमसे,
अब अगले किसी मुलाकात को मेरे दिल की मर्जी पर छोड़ दो। ये तो मैं जानता हूं कि हम फिर मिलेंगे, लेकिन फिर जब मिलेंगे तो क्या बात करेंगे इस बारे में सोचने दो मुझे। फोन करूंगा तुम्हें, अगर फोन ना करूं तो समझना फिर कभी नहीं मिलेंगे। अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं।